हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और एकदम मज़े में हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिल सकती है। अगर आप दसम फॉल घूमने आते हैं, रांची से जब आप दसम फॉल घूमने के लिए जाते हैं, तो उसी रांची हाईवे पर ही 45 किलोमीटर की दूरी पर एक आपको हाईवे किचन रेस्टोरेंट मिलेगा, जो जहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना भी खाना, तो अभी हम जाके टेस्ट करेंगे कि कैसा है, लेकिन व्यू इसका काफ़ी अच्छा है, जो एनएस से थोड़ा सा नीचे की ओर है। और देखिए, इसका काफ़ी अच्छा व्यू है, बाहर बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह इनके पास है। और पीछे आप देख ही रहे हैं कि किचन व्यू है। यहाँ पर बाहर भी लॉबी भी है एक, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पे सामने कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोटी सी शॉप है, और अंदर भी बैठने के लिए इनकी काफ़ी। और यहाँ पे आते ही अंदर रिसेप्शन है, जहाँ पे आप अपनी बिलिंग करवा सकते हैं, और अंदर भी बैठने के लिए काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ से पीछे की और वॉशरूम वगैरह हैं। यहाँ पीछे की तरफ वॉशरूम वगैरह है, और जब आप पीछे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खेतों का व्यू देखने में मिलेगा, जिसमें काफ़ी इस टाइम काफ़ी खेती की हुई है, सरसों की, लहसुन, प्याज, आलू वगैरह। काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो खेतों का देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी तरह का कुछ उगाया हुआ है। और सामने दो सरसों दिखाई दे रही हैं, पीले पीले सरसों के खेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बाहर भी खाना इंजॉय करना चाहते हैं, जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं तो धूप में, और लंच के टाइम बाहर धूप में बैठने का, और डिनर के टाइम नाइट व्यू का, तो यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, जहाँ पे आप अपना लंच इंजॉय कर सकते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना इवनिंग लंच इंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम इवनिंग के टाइम में यहाँ आए हुए हैं, इवनिंग के 4 o'clock हो रहे हैं। हम भी यहाँ पे अभी अपना लंच ही करेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत देर लंच करने में हो गई है। और अभी हम भी यहाँ पे लंच कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, और अब हम साथ में लंच इंजॉय करेंगे, तो आपको बताते हैं यहाँ का लंच भी। हाँ, ओके, देखते हैं। और भैया यहाँ पे हमें लंच सर्व कर रहे हैं, और बच्चों ने मंगवाई थी चाउमीन, ये चाउमीन का एंजॉय कर रहे हैं। ओके, पहले चाउमीन तो खत्म कर, नहीं आप खाओ। लंच में हमने मंगवाया है आज पनीर, दो प्याजा, बटर नान और दाल फ्राई। तो भैया अभी हमें सर्व कर रहे हैं, और अब हम टेस्ट करते हैं। मुझे भी चाहिए दाल। मिलेगा सब, पहले ये तो खाओ। चाहिए सब। और अभी हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं, यहाँ का लंच भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट पनीर दो प्याज़ा में आ रहा है। दो टेस्टी टेस्टी लंच करने के बाद अब हमारी स्वीट्स भी आ चुकी है, क्योंकि स्वीट्स खाना भी ज़रूरी है। तो अभी हम टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन का आनंद लेते हैं। हमारा हाईवे किचन रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी कभी रांची जमशेदपुर हाईवे पर ट्रेवल करते हैं, तो आप हाईवे किचन रेस्टोरेंट का लंच डिनर ब्रेकफास्ट जरूर इंजॉय करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और इसी के साथ मैं आज की ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।